हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज से ये चैनल मेरा हो गया, मोहन का नामो निशान नहीं रहेगा इस चैनल पे। आज के बाद मोहन आपको दिखने नहीं मिलेगा। तो तू कहाँ से आ गया भाई? फिर देख रहे हो गाइस, अभी तक लोग संपत्ति, खेत बाड़ी, गाड़ी, दौलत हड़पते थे, आजकल चैनल भी हड़पते रहे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सबका स्वागत है एमएसटक ब्लॉग में। सो गाइस, कैसे हो सारे के सारे? आई होप सारे ठीक ही होंगे। सो गाइस, अभी सुबह हो चुकी है और मैं और संदीप जा रहे हैं गाड़ी लोड करने के लिए। क्या है गाइस कि हम लोग ना अभी यूनियन गए हुए थे जस्ट, और यूनियन में नंबर कट गया क्योंकि अपना नंबर 850 के आसपास में था ऐसा कुछ, तो नंबर वंबर अभी कट चुका है और हम लोग निकल रहे हैं रायकोट गाड़ी भरने के लिए। नकोड़ा का माल रहने वाला ना संदीप अग्रवाल, तो नकोड़ा का माल रहने वाला तो अग्रवाल बे, अग्रवाल, सॉरी बता मत अग्रवाल अभी कैमरा चालू ही था भाई। तो अग्रवाल का गाइस माल होने वाला, तो हम लोग निकल रहे हैं गाड़ी भरने के लिए। अभी यहाँ से संदीप लेके चलेगा। संदीप तू लेके चलेगा, मैं लेके चलूँ? कोई भी लेके चल, अभी मैं ही लेके चलता हूँ। फिलहाल रास्ते में संदीप को देंगे क्योंकि सूट वूट भी थोड़ा करेंगे। सो ठीक है गाइस, अभी निकल रहे हैं हम लोग रायकोट के लिए गाड़ी भरने के लिए। बाकी वीडियो में बने रहो, आज का फूड ब्लॉग और डेली ब्लॉग भी होने वाला है। तो संदीप कुछ कहना चाहेगा ऑडियंस को? गाइस अभी यहाँ से गाड़ी मैं स्टार्ट करके लेके चल रहा हूँ, देख लो। बाकी संदीप बैठ गया, बाकी भोगा हुआ काफी तगड़ा बिस्तर अंदर में लगा दिया। तो चलते हैं रायकोट में, उसके बाद में ना देखेंगे वहाँ पे क्या करना है। अभी ना घर से कुछ खास खा के नहीं निकले थे, बस नाश्ता करके निकले। तो चलते हैं वहाँ पे, खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे और वहाँ जाके रास्ते में चलते चलते डिसाइड करेंगे क्या बनाना है वहाँ पे। वैसे भी शाम को 4 बजे से लोडिंग है, हम लोग को जाना शाम को 4 बजे था, लेकिन हम लोग क्यों अभी जा रहे हैं? अपना कॉन्टेंट शूट करने के लिए। घर में रह के क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे तो कॉन्टेंट भी शूट करेंगे। तो ठीक है गाइस, निकलते हैं अपन। संदीप काफी ज्यादा जल्दीबाजी कर, अभी प्रेशर भी तो नहीं बना, अभी 7% 7% प्रेशर है, 7.6 7.5 ऐसा कुछ है। तो ठीक है गाइस, निकलते हैं, चलते हैं, रास्ते में आप लोग से मिलते हैं। काफी और थोड़ा सा सपोर्ट करो गाइस। तो हम लोग ना रायकोट पहुंच चुके हैं और संदीप यहाँ पे बैठा हुआ है। और ना एक चीज की है कि ना यहाँ पे ना शाम को 4 बजे से लोडिंग है, और एक चीज काफी अच्छा हुआ जो कि ना अभी कुछ ही गाड़ियां पहुंची है, तब तक ना अपन पहुंच गए। कितनी आई होगी संदीप तेरे हिसाब से? लगभग ना 20-30 आई होगी ना, 30 गाड़ी आई है तब तक अपन पहुंच गए। तो ये चीज काफी अच्छा हुआ। शायद मेरे को लगता है ना शाम को लोडिंग है ना, बंद कर कॉपी रेट आएगा, शाम को लोडिंग है ना, तो उसके वजह से ना वो हो रहा है अपना, क्या बोलने से लोग आराम से आ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि 4 बजे लोडिंग होगा तो अभी जाके क्या करेंगे। हाँ हालांकि ठीक है, शाम को 4 बजे लोडिंग है तो अभी जाके क्या करेंगे। तो ठीक है गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अभी बउआ को भेज दिया हूँ ना मैं खाना राशन लेने के लिए, अभी वो राशन लेके आ रहा है, तो फिर खाना वाना बनाएंगे। वैसे हम लोग घर से ना नाश्ता वास्ता करके लिख लेते, लेकिन 4 बजे लोडिंग होगा तो नाश्ता के भरोसे तो नहीं रह सकते, इसलिए ना गाइस अभी सामान लेके आ रहा है, तो खाना वाना बनाते हैं और देखते हैं आज क्या बनाने वाले हैं। ये गाड़ी वाले नंबर काटा काटी कर रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो, ये भवानी गैरेज वाला गाड़ी है और एक सामने में पाजी का गाड़ी है। इन लोग देखो कैसा झगड़ा हो रहे हैं और काटा काटी कर रहे हैं भाई। बीपीएस वाले भाई देखो, थोड़ा बीच में आगे घुस रहा है। अगर बीपीएस का कोई भी सीनियर अध्यक्ष या कुछ भी कोई मतलब कि गाड़ी मालिक कोई बड़ा आदमी देखता हो भाई, तो इसको थोड़ा सा देखो, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा काटा काटी हो रहा है। देखो ये रगड़ा रगड़ी करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे भाई, हम लोग क्या करना है वो सब देख रहे हैं। ये एक गाड़ी है जो जय माँ शेरा वाली पीछे लिखा है, क्या लिखा है ढाला में भे? ये क्या, ये तो ये सामने वाली भवानी की है और इसमें ढाला में क्या लिखा है? जय माँ शेरा वाली। कहाँ जय माँ शेरा वाली लिखा है? दोसा रवीश। और उधर क्या है, उधर वाला में क्या लिखा था? उधर वाला इन लोग देखो, इन लोग तेगी लिखा है, उधर दस चक्का वाला में तेगी लिखा है। और ये अंकल खैर मेरे को लगता है गलत नहीं है, जहाँ तक इन्हीं लोग गलत है, ये पाजी जो है ना, ये पाजी वो सही है, ये गलत है, और उधर दस चक्का है वो गलत है। भले भाई पहचान के है, लेकिन गलत है तो गलत है। और यहाँ पर जबरदस्ती वो बहुत पीछे आके वो घुसा रहे हैं अंदर में, फिर पाजी रोक रहे हैं यहाँ पे। वेल्डन पाजी यार तगड़ा, मतलब पाजी ने भाई हिम्मत दिखाया, पाजी के अंदर हिम्मत है, पेड़ चोदी पाजी ने, पाजी के अंदर है। पाजी ने मेरे को भी अपने तरफ बुलाया था, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वो जो बंदा था मेरे मोहल्ले का ही था, वो मेरे मोहल्ले का ही था, इसलिए मैं नहीं गया कि दुश्मनी हो जाता बोल के। यही
पाजी वाले पाजी है जिन्होंने काफी तगड़ा भाई हिम्मत दिखाया उसको गाड़ी को पाजी में भाई फूल दे रही है भाई। इसकी भी दोबारा जाके गांड फटाई बेटा, गांड मस्ती नहीं, पीछे आया तो पीछे भरेगा तू उसको ज्यादा बीच में। और पाजी का कहना यह है कि इसका पर्ची नहीं लाएंगे। पाजी अपने को भी बुलाए लेकिन अपन नहीं गए भाई कि एक ही मोहल्ले में रहना है, फिर इन लोग से अपना दुश्मनी हो जाएगा कि तुम लोग कैसे कैसे आगे उधर से। तो हम लोग किसी के साइड नहीं गए, बस हम लोग देख रहे थे अगर कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा होता तो हम लोग जाते छुड़ाने के लिए। मैं तो फोर बाकी ठीक है भाई। पाजी ने सरदार लोगों का इतना नाम क्यों है, सरदार लोगों का भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मतलब लोग बोलते हैं ना कि एक सरदार मतलब कि जैसे कि है भाई तो रहता है, सरदार नाम हो तो अच्छा सरदार है। मतलब कि भाई बंदा ने ना बंदे को ना गाड़ी लाके सामने से रोका, पीछे कराया, उसको रिटर्न भेजा, चाहे जो भी हो जाए झगड़ा लड़ाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सही है भाई, बंदा काफी पीछे आ गया, आगे घुस गया था, चलो ठीक है कोई नहीं। पाजी नुकसान करने के लिए रेडी थे, पाजी नुकसान ढोका ठाकी गाड़ी करने, बट कोई बात नहीं पाजी वेरी गुड, अच्छा लगा भाई ऐसा रहना। ओ गाइस देख सकते हो संदीप अभी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कैमरा में देख रहा हूँ। हटना लाउडे नहीं लाउडे अबे तो 500 सब्सक्राइबर हो गए तो ये ज्यादा उड़ रहा है, इसको मैं बताता हूँ। इस संदीप को खूब ज्यादा खुजाल लड़ने का, अभी इसका खुजली मैं मिटा दिया, मिट गया भाऊ। अरे मेरा खुजली नहीं, तेरा खुजली मिट गया होगा, देख रहे हो भाई, लड़ते रहता है फालतू लड़का, समझ रहे हो, मेरे से खुद लड़ता है यहाँ आके सामने से। अभी ना ये लड़के ना सो चुका था जब कैमरा चालू किया ना, तो चुपचाप सो गया, पहले लड़ रहा था जब कैमरा चालू किया तो चुपचाप सो गया, इसलिए मैं खुद ला, इसको मैं नहीं खुद लाया था पहले, इससे पहले मेरे को खुद ला चुका था। मजा आया देख कैमरा में देखा क्या कौन मार खाया ज्यादा ऐसा, पहले मैं इसको दे चुका था ना इसके, इसलिए थोड़ा सा ले लिया इससे। हे गाइस अभी यूनियन वाले जस्ट आए थे थोड़ी देर पहले, अभी ना जस्ट पर्ची और ची दे के गए, हम लोग ना सोए हुए थे, अभी शाम हो चुका है, गाड़ी अंदर लेना स्टार्ट कर दिया। अभी एक सेकंड मैं आपको चेक कराता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड देखो इधर मैं ना गाड़ी लेना बढ़िया स्टार्ट कर दिया यहाँ पे सामने में देख सकते हो, पूरा गाड़ी अंदर में ले रहा, तो अभी गाड़ी वाड़ी लेता है, चलते हैं अंदर में लेके चलेंगे और वहाँ पे कांटा वांटा करा के अंदर में लगाएंगे। पता नहीं माल आया है कि नहीं, क्योंकि मैं सोया हुआ था, मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता है नहीं आया आज तक माल वाल, तो देखते हैं भाई फिर। अभी अंदर कांटा वांटा करा के चलते हैं, अभी गाड़ी संदीप वो चला रहा है, चलते हैं कांटा वांटा करा के अंदर, देखते हैं कब तक लोड होगा, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है, लोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा रात को होगा मेरे को पता है, बट कोई बात नहीं चलता है। देख सकते हो अभी ना कांटा होना स्टार्ट हो चुका है, हम लोग ना रात हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, अभी कांटा होना स्टार्ट हो चुका है, हम लोग ना लाइन में ही है, लाइन में है, अभी कांटा कराने जा रहे हैं, अभी रेक नहीं आया, कांटा करा के वहीं पर लाइन में लगा के सोएंगे, रात को रेक आएगा 2 बजे रात को, फिर उसमें लोड करेंगे, लोड करके उसके बाद जगदलपुर चलेंगे। एक सेकंड में आपको सामने चेक करो गाइस, मस्त साफ देखो, सामने जूम करके दिखा रहा हूँ, एक सेकंड देखो देखो, ये जो सामने बड़ी बड़ी ये दिख रही है ना, ये वाली गाड़ी, ये वाली, ये कैसा दिखाऊं, ये वाली, ये वाली कांटा है यहाँ पे, देखो ये पूरी लाइन है, पूरी रात हो गया ना अंदर चल के, और अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ, अभी ना मेरा बुआ का जो मेरे साथ में रहता है बुलेस, उसका ना रिचार्ज करना था ना, तो संदीप अभी उसका संदीप के फोन पे में पैसा था, तो संदीप रिचार्ज किया, मैं सोया हुआ था तो नहीं कर रहा था, बुआ दोपहर रिचार्ज कर देता है, कंडक्टर बोल रहा है, तो तू क्या बोलता है, नहीं करूंगा, मैं बोला बेचारा कभी टूट जाएगा, मैं बोला नहीं करूंगा, बोले बे बोला नहीं, बोला नहीं, बोले बता सही बोला, बे सब सुना तू डराता है उसको, और कुछ नहीं देख, अभी मैं बोला ठीक है काटूंगा, ठीक है बोला, मैं ले लेना, डरा क्या रहा है, ऐसी बोला ना, मैं बोला उसके बाद किया, अभी वो ये
तो पैसा नहीं लेगा ना मेरे से? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए। कभी नहीं मांगेगा ना? नहीं मांगूंगा। देख ले बोल रहा है तेरे मुंह पे। तो अभी मांगेगा जूता पड़ेगा बाद में। एकदम नहीं चाहिए। पक्का ना? नहीं, 155 भूल सकता हूँ तो 157 भी भूल सकता हूँ। 155 किस चीज का भूल सकता है? बता तो खोल के बता। तेरा फास्टैग रिचार्ज किया रहा? आसान किया, दुनिया को बता रहा है। मैं तेरे को बता रहा हूँ। दुनिया को बता रहा है मेरा फास्टैग रिचार्ज किया 155 का? मैं तेरे को बता रहा हूँ। 155 तू मेरा दे, लात मारूं जाऊं मुंह पे तेरे। तो देख रहे हो गाइस, ये ना फिर इतना रोएगा ना 150 के लिए। अभी देखना, अभी यहाँ ना कैमरे में बोल दे रहा ना कि नहीं चाहिए। अभी देखना यहाँ से जैसी कैमरा बंद करूंगा ना 150 के लिए कितना रोएगा ये ना। एक बार 155 दिया था ना, उसके लिए 6 महीना रोया था। तो भी तो नहीं दिया। तो जोड़ रहा है ना, जोड़ रहा है ना भाई। मैं वही वाला 100 तो मांग रहा हूँ भाई। तो जोड़ रहा है ना, तेरे को बाद में चाहिए ना। दो, तो दे, 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 देगा तब तो मैं मानू। ऐसा ऐसा हेलो हाँ बता। कुछ नहीं बोला हूँ, मार्डर के पिंडी भूत बोल रहा है। क्या बोल तू? बोला है मेरे को, गाली दिया है तू? नहीं दिया है ना? अभी इसको क्या करूं, इसको पेटू में, इसको पेटू में दिया तो बेवस्तरिया। सो गाइस, अभी संदीप और अभुलेश गए हैं उधर में ढाबा में खाना लेने के लिए। देखते हैं खाना लेके आते हैं। अभी क्या ना, लेट हो गया, खाना बना नहीं पाए और पानी वानी भी अपने बाल्टी में नहीं भरा है कि खाना बना पाए। मतलब पानी बिल्कुल ही नहीं है कि खाना वाना बन सके बिल्कुल। तो ना मैं ढाबा भेजा हूँ खाना लेने के लिए। अभी उन लोग गए खाना लेने के लिए, खाना लेके आते हैं। मैं बोला रोटी और कुछ ले लेना, सब्जी में देख लेना अपने हिसाब से। तो गए ठीक है, फिर लेके आते हैं तो खाना वाना खाएंगे। अभी रेक वेक भी शायद आ गया, यहाँ पे रेक आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो सामने में लगा हुआ है। ट्रेन अभी खाली होगा, रात में पता नहीं, रात को ही लोड होगा, सुबह लोड होगा, उतना आइडिया नहीं है। तो देखते हैं, अपडेट दूंगा अभी थोड़ा देर में, जैसे अगर अभी लोडिंग होगा तो नहीं होगा तो फिर सुबह ही होगा, हम लोग भी सो जाएंगे। तो देखते हैं फिर संदीप लोग कितने देर में आते हैं। वैसे यहाँ से थोड़ा सा दूर ही उन लोग को भेज दिया हूँ, बट कोई बात नहीं, आ जाएंगे जाके। और फोन वोन भी है, कोई दिक्कत होगा तो फोन में बात हो जाएगा। तो ठीक है, आने के बाद तो देख सकते हो अभी ये संदीप लोग सामान लेके आ गए। एक्चुअली ढाबा गए थे तो वहाँ पे ज्यादा कुछ मिला नहीं, तो इन लोगों ने ना रोटी ले लिया और कच्चा वाला अंडा ले लिया। यहाँ पे अंडा का एक सेकंड बनाएगा तो क्या चीज ब्लॉग कर रहा हूँ भाई। तो गाइस अभी अंडा भुर्जी बना रहा, अंडा भुर्जी और रोटी खाएंगे। उसके बाद में अभी माल भी आ गया, खाली हो रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता अभी ठंडी में रात में लोड होगा, क्योंकि ये भी सुबह ही टाइम में लोड होगा 4-5 बजे के आसपास। तो ठीक है गाइस, बनाते हैं उसके बाद में। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, गाइस अभी बज रहा है रात के 3। अरे सुबह के 3 में, सॉरी सॉरी। सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हमारी गाड़ी लोड हो चुकी है। अभी हम लोग कांटा कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और देख रहे हो, एक सेकंड बहुआ सो गया। यही तो है, गांव के लड़के आते हैं ना, नए नए सर्वाइव नहीं कर पाते, अभी इसको आधा ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बाकी संदीप बिल्कुल नहीं सोया, एक चीज मानना पड़ेगा, मैं जितना देर जगह मैं यहाँ कंबल में बैठे बैठे बढ़िया यहाँ से रील्स वील्स देख रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ जो भी है ऑनलाइन काम मेरा। और बाकी संदीप गाड़ी बढ़ा रहा है। तो देख सकते हो भाई, ड्राइवर की लाइफ ऐसी रहती है कि ना बंदा अपनी मर्जी से सो नहीं सकता। हम लोग कल कहाँ आए हैं, रात को भी यहाँ रुके, लेकिन रात को हम सो सकते थे, लेकिन ड्राइवर लाइफ स्टाइल यही रहता है भाई। रात भर लोडिंग हुआ, समझ रहे हो, रात को जैसी अंदर घुसे वैसी रेक आ गया। 10-11 बजे के आसपास तक रेक आ गया था, 10-11 बजे रेक आ गया, खाली होना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग सोचे कहाँ सोएंगे, फिर उसके बाद में ना जे लोडर आ गया, सब कुछ आ गया, लोडिंग स्टार्ट हो गया। लोडिंग करते करते उसके बाद कांटा करा। एक सेकंड गाइस, आपको चेक कराता हूँ। देख सकते हो सारी की सारी गाड़ी इधर लाइन में लगी हुई है, जस्ट सामने कांटा है जहाँ पे वो लाइट जल रही है ना, यहाँ पे एक सेकंड दिखा रहा हूँ, जहाँ पे लाइट जल रही है यहीं पे कांटा, और दो लाइन लगा है, एक इधर से लगी हुई है, एक इधर से लगी हुई है। और बाकी देखो इधर से रॉन्ग साइड से भी इन लोग घुसा दिए हैं, बाकी लोग बाकी उधर से भी आ रहे हैं, लेकिन लाइन से ही आना चाहिए था। बाकी देख सकते हो सब कुछ हो चुका है, गाड़ी लोड हो चुका है, बस कांटा करा के और पर्ची और चीले के अपने को निकलना है। बाकी संदीप देख लो गाड़ी बढ़ा रहा है, यहाँ से गाड़ी बढ़ना स्टार्ट हो गया अभी। तो गाइस कांटा फाइनली पहुँचने वाले हैं, कांटा काफी ज्यादा दूर रहते हैं, एक ही गाड़ी करके बढ़ाना पड़ता है। लगभग ना 50-60 गाड़ी हम लोग पीछे थे कांटा में जब लाइन लगे थे। फाइनली अभी मुंह पे पहुँचने वाले हैं, बाकी सब ठीक है। बाकी संदीप को देख रहे हो, संदीप नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी। देख इधर, देख इधर आएगा। तो ठीक है, वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा बनाया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
बेल आइकन को दबा लो, ऑल पे कर लो, जब भी हम लोग वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ।